नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे 14 मार्च के करंट अफेयर के एमसीक्यूज जो फ्रेम किए गए हैं आपके द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से और पीआईबी से। हम लोग रोज लाते हैं आपके लिए दो वीडियोस। पहला मेरा वीडियो होता है शाम के 6 बजे हमारे मॉक टेस्ट का, हमारा फिर 8 बजे आता है वीडियो करंट अफेयर एमसीक्यूज का। दोनों जो वीडियो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए, जो हमारे अभी के एस्पिरेंट उनके लिए भी और जो दे रहे हैं 21 में और 22 में उनके लिए भी, क्योंकि हम बताते हैं यहाँ पर स्किल्स, क्वेश्चंस को प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो। सर बता, मेरे बारे में पता है, यहाँ पे स्किप करते हैं इसको। चलिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सर पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको टेलीग्राम ऐप ओपन करना है, वहाँ पर यूपीएससी लाइव चैट या एड सुमंत ADSUMANT ये सर्च कीजिएगा। वीडियो खत्म होने के तुरंत बाद आपको मेरे पीडीएफ्स एड सुमंत चैनल पर मिल जाएंगे। आपको ये सर्च करना है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कोर्सेज लॉन्च किए हैं अनअकैडमी प्लस पर। मेरा जो कोर्स आज शुरू हुआ है वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। 15 को मतलब परसों मेरा कोर्स शुरू होगा फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। अब 17 को मेरा कोर्स शुरू होगा एंशियंट मीडिएवल एंड आर्ट एंड कल्चर पे। तो तीनों कोर्स हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए हैं खास करके। तो जो दोस्त हमारे अभी देने वाला है अटेम्प्ट, वो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज़ करना है SNLIVE, जो कूपन कोड है इसे यूज़ कीजिएगा। यूज़ करते ही आप मुझे मेल कीजिएगा ADSUMANT@gmail.com पर मुझे आप मेल कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे दो कोर्स पहले से चल रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। इस पर मैं और भी वीडियोस लाऊंगा इकोनॉमी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी पर, हमारे जो भी आने वाले हैं ना, जैसे कि आपका जो मार्च, अप्रैल, मई तीनों महीने के हमारी जो बातें हुई हैं नई नई, उनको भी हम कवर कर लेंगे। कूपन कोड आपको पता है SNLIVE, आपको ये इस्तेमाल करना है। आप फिर मुझे तुरंत मेल भेजना है इस ईमेल आईडी पर। कैसे करना आपको पता है, ऐप ओपन कीजिएगा, प्लस में जाइएगा UPSC CSE, तो फिर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिएगा और जो ड्यूरेशन है वो चुनिएगा। 3 महीने की फ़ी है 20,000 रुपये। ये जो कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको काफ़ी डिस्काउंट मिलेगा SNLIVE जो कूपन कोड है ये वाला इस्तेमाल करने पे। जो दोस्त देने वाले हैं 2021 में और 22 में, उनके लिए बेस्ट रहेगा कोर्स 2 साल का। फ़ी है 48,000, डिस्काउंट करके पड़ता है आपका 43,200 रुपीज़। ये हमारा कोर्स है 2 साल का। चलिए हम लोग चलते हैं अपने न्यूज़ पर। दिन क्या है, 13 मार्च। हमारा जो टॉप न्यूज़ है द हिंदू का फ्रंट पेज पर, इंडिया का जो पहला कोरोना के कारण जो डेथ है वो सुनने को मिला कर्नाटका में। जो केस है वो अभी 81 हो गया है, अभी जो इससे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की। ये तो सुबह आया था ना पेपर 74,000 समय, तो अभी बढ़ गया है, 81 है अभी, ठीक है ना। तो भारत में जो पहली डेथ है वो हुई है कोरोना के कारण कर्नाटका में। वैक्सीन के बनने में कम से कम 2 साल का समय है, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट का। तो ये सब अच्छी बातें नहीं है, थोड़ा सा डिले होगा इसमें, तो देखते हैं। एक बात और, आप देख रहे हो कि चीज़ों को आइसोलेट किया जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें, जितना ज़रूरत पड़े उतना ही निकलें। जो IPL के मैचेस हैं उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, अप्रैल में होगा। अब जो इंडिया और अफ्रीका का जो अभी जो भी मैच चल रहा था, जैसे कि उसको रद्द कर दिया गया है, ठीक है ना। तो जो सीरीज़ है उसको वो कर दिया गया है, काफ़ी सारी बातें हुई हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इससे होता क्या है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। पहले से स्लोडाउन चल रहा है हमारे यहाँ, स्लोडाउन के कारण भी हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गया था, तो और हमारी इकोनॉमी में खतरा हो रहा है। जो सेंसेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा गिरा था, 8% से ऊपर की जो गिरावट देखने को मिली थी। आज भी गिरा था सुबह में, मगर थोड़ा सा संभल गया, थोड़ा सा आज सेंसेक्स चढ़ा है। सवाल हमारा पहला है केपलर मिशन के बारे में। इट्स साइंटिफिक ऑब्जेक्ट इज टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम। इट इज एन अनमैन्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी डेडिकेटेड टू फाइंड प्लेनेट्स इन सोलर सिस्टम। 1 और 2 कौन बता सकते हैं, बताना है आपको यहाँ पर, दोनों में कौन सा सही बताना है आपको यहाँ पर। पहला हमारा है रवि मॉल, हेलो निधि मिश्रा, गुड इवनिंग आपको भी। इंद्रजीत हेलो, इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से। ठीक है,
ठीक है, सी कहा इंद्रजीत ने, आगे और कोई आंसर? निधि रवि आपके क्या अटेम्प्ट है? मानसी ने कहा है ऑप्शन सी, सी मतलब बोथ वन एंड टू। ध्यान से, निधि का आंसर है ए। हाँ ठीक है, ये अनमैन्ड तो है, स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है, मगर यहाँ पर जो ग्रह पाए जाएंगे वो होंगे हमारे सिस्टम से बाहर के। हमारे सिस्टम में जो ग्रह है हमने ढूंढ लिया है, जो प्लेनेट है ना, इसको हम फाइंड करेंगे अपने सिस्टम के बाहर वाले एरिया में। ठीक है, सो टू फाइंड प्लेनेट इन आवर एक्सोस्फेयर, मेरा यहाँ पर दूसरा गलत है, मेरा पहला यहाँ पर सही है। क्या आंसर आया जी? ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अभी हुआ क्या था कि एक जो तारा है, तारा चमक रहा होगा अपना, कौन सा? पृथ्वी के अलग, सॉरी सूर्य के अलग, सोलर सिस्टम में तो बस एक ही तारा है सूर्य। तो जो हमारा अलग सोलर सिस्टम है दूसरा वाला, तो वहाँ पर एक तारा जो था चमक रहा था, हमने ऑब्जर्व किया कि इसका जो लाइट है, लाइट हल्का सा डिम हुआ। अब बताइए, सामने अगर बल्ब जल रहा हो और उसके सामने से कोई आदमी क्रॉस करे तो उसकी लाइट डिम होगी कि नहीं होगी? मतलब कि जरूर इस तारे के सामने से कोई ग्रह गुजरा होगा ऐसे करके, समझ रहे बात? तो इसी कारण से जो जो स्टार का जो लाइट है वो डिम हुआ होगा, इसका जो लाइट है वो चेंज हुआ होगा, डिप हुआ होगा, मतलब कि अपने ऑर्बिट में वो घूम रहा होगा। तो हमने पाया कि वहाँ पर जरूर कोई कोई ना कोई वहाँ पर ग्रह होगा। तो हमने क्या किया कि जो इंस्ट्रूमेंट है हैबिटेबल जोन प्लेनेट फाइंडर, इसको हमने ऑन किया और आगे हमने वहाँ पर काम करना शुरू किया। तो ये जो हमारा केपलर मिशन है वो नासा का है, पहली बात तो ये। यहाँ पर जो अनमैन्ड ऑब्जर्वेटरी है वो ग्रह को फाइंड करेंगे हमारे सिस्टम से बाहर, आउटसाइड द सोलर सिस्टम। जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि वैसे ग्रह ढूंढे जाएं जो कि पृथ्वी के ही जैसे हैं मगर हमारे इसमें से बाहर में हैं। ठीक है, जो भी ग्रह सोलर सिस्टम से बाहर का होगा उसको हम कहते हैं क्या? एक्सोप्लैनेट। मेरा यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है। ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला मेरा सवाल है राड 2 मिसाइल के बारे में। इट इज़ न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल। दूसरा, इट वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय ईरान। बता दो मैं कौन सी बात सही है यहाँ पे, वन एंड टू कौन सी बात सही है बताइएगा है मुझे यहाँ पे। श्रेया पांडे हेलो, वेलकम बैक। अशोक वेलकम बैक। ए है आपका आंसर एक्सो, ठीक है वो वाला, बढ़िया। प्रवेश गुप्ता वेलकम आपको। जवाब दीजिएगा इसका, जो राय 2 मिसाइल है इसके बारे में, क्या इसको ईरान ने टेस्ट किया है? क्या ये एक न्यूक्लियर कैपेबल एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है? दोनों में से कौन सी बात सही है बताना है आपको यहाँ पे। अशोक का कहना है डी। शिरा का आंसर है डी। प्रवेश बढ़िया आंसर, ठीक है। प्रवेश ने प्रवेश करते हैं चौका मारा है, बढ़िया। न्यूक्लियर कैपेबल है, एयर लॉन्च्ड है और ये क्रूज मिसाइल भी है। ये जो मिसाइल है ना, ये कहा जाता है कि भारत का जो निर्भय मिसाइल है इसको रिप्लाई देने के लिए बनाया गया, इसको काउंटर करने के लिए बनाया गया। निर्भय कैसे उड़ता है जी? निर्भय में पंख लगे होते हैं, फिन्स होते हैं छोटे छोटे, ये आपको एयरप्लेन की भांति ऐसे हॉरिजॉन्टली उड़ सकता है, ये एक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, इसको टेस्ट किया है पाकिस्तान ने ना कि ईरान ने। मेरा पहला सही है, न्यूक्लियर कैपेबल है, एयर लॉन्च्ड है, क्रूज मिसाइल है। मेरा यहाँ पर दूसरा गलत है। क्या आंसर आया जी? ए
वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो मेरा सवाल है वो है अपेंडिक्स वन जो है यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन कन्वेंशन भी, उसके बारे में। कौन से अपेंडिक्स वन में लिस्टेड है? एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, बंगाल फ्लोरिकन। ये बताओ, ये सवाल इन्वायरमेंट का है तो क्या ये इन्वायरमेंट का करेंट अफेयर का पार्ट है या फिर स्टैटिक का पार्ट है? सवाल देखिए क्या लग रहा है, जो कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज है ना, माइग्रेटरी स्पीसीज वाला जो कन्वेंशन है, ये सभी तरह के स्पीसीज को, चाहे वो जल में रहते हों, थल में रहते हों, आकाश में रहते हों, सभी को उनके पूरे रेंज में, पूरा रेंज का मतलब ये है कि जहाँ से वो उड़ना शुरू करते हैं वहाँ से लेकर के जहाँ तक वो जाएंगे वहाँ तक पूरे रेंज में उसको क्या करेगा, उसको वो कंजर्व करेगा। क्या नाम है इसका? यूएन कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, इसको कहते हैं हम लोग बॉन कन्वेंशन। बताइएगा, एशियन एलिफेंट, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, बंगाल फ्लोरिकन, क्या सही आंसर है जी? प्रवेश डी, अशोक डी, मिंटू डी, ठीक है। करंट निधि का कहना है डी, बढ़िया। प्रवेश, अशोक, मिंटू, श्रेया, निधि, आप सबके जवाब सही हैं। मेरे यहाँ पर तीनों के तीनों सही है। न्यूज़ आई थी अभी, न्यूज़ में ये कहा गया था कि जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है, बस्टार्ड, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, एशियन एलिफेंट, बंगाल फ्लोरिकन, इन सबको अपेंडिक्स वन में इंक्लूड करने का, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो ये अब अपेंडिक्स वन में इंक्लूड हो चुके हैं CMS कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज इसमें, ठीक है। 13th COP हुई थी कहाँ पर? गांधीनगर में। एक सवाल पूछ सकता है, मगर इस सवाल आपको SSC वगैरह में पूछेगा, जो है BPSC में पूछेगा आपसे ऐसा सवाल कि जो 13th COP है CMS का या फिर बॉन्ड कन्वेंशन का, कहाँ हुआ था? गांधीनगर में हुआ था, ठीक है। या तो दिल्ली में होता है या तो गुजरात में होता है, बाकी कहीं जगह नहीं होता। मेरा पहला, दूसरा, तीसरा सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। ट्रंप बाबा कहाँ आए थे याद करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में? अच्छा ये बताओ, जो सिंगल प्लास्टिक होता है ना, देखो आप जो लेज वगैरह खाते हैं, बाहर तो कलर होता है, अंदर उसका चमक रहा होता है, क्या आपको पता है कि उसको हम लोग नहीं कर सकते रिसाइकल? तो इन सब का इस्तेमाल कम किया कीजिए। दिस प्लास्टिक कम विथ अ, ये हमारे कॉम्प्लेक्स प्लास्टिक होते हैं, दिस प्लास्टिक कम विथ अ स्टीप इन्वायरमेंटल प्राइस एज नन ऑफ दिस कैन बी रिसाइकल्ड। रिसेंटली गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट सिंगल यूज प्लास्टिक एयरपोर्ट, प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट इन इंडिया। बताइए कौन सी बात सही है यहाँ पे, क्या आप इन प्लास्टिक को रिसाइकिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? जब भी आप कोई चीज़ शुरू करेंगे, जैसे कि मान लो कि हमने अभी जो जी जिनपिंग था उसको हमने साउथ में बुलाया था, साउथ इंडिया में बुलाया था, याद है? तो अब शुरू करेंगे तो काम होगा ना। अब गुजरात मोदी जी का है तो वहाँ पर बुलाते हैं अपने मतलब राज्य के। अब अगर आप कोई चीज़, कोई इवेंट कहीं करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा बढ़ेगा उनका एक्सपोजर। हाँ, इसमें से कौन सा गलत है बताना है आपको यहाँ पे, इनमें से कौन सा गलत है बताइएगा। वन एंड टू कौन सा गलत है? बढ़िया प्रवेश, मिंटू का कहना है ए, अमन का ए, आकाश गुप्ता बी, अशोक सी, मानसी सी, बढ़िया। अशोक का सही है, मानसी का सही जवाब है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहला मेरा गलत है क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ना सिंगल यूज़ वाले, इसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं। मेरा पहला गलत हो गया क्योंकि लिखा है कि नन ऑफ दिस कैन बी रिसाइकल्ड, मेरा यहाँ पर ही गलत हो गया। गया नहीं, गया एयरपोर्ट बिहार में, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे यहाँ, तो गया नहीं, जो दिल्ली का जो IGI है वो बन गया है पहला सिंगल, फर्स्ट सिंगल यूज़ प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट इन इंडिया।
ये जो प्लास्टिक फ्री, जैसे कि हमारे सिंगल प्लास्टिक है ना, ये हमारे ये बने होते हैं फॉसिल फ्यूल से, जो हम जैसे कि जो पेट्रोलियम के जो केमिकल्स हैं ना उनसे बने होते हैं। इनको इस्तेमाल के तुरंत बाद डिस्पोज कर देना होता है, मतलब तुरंत कुछ मिनटों के भीतर ही। जैसे कि इसका इस्तेमाल हो सकता है पैकेजिंग में, सर्विस वेयर में, फॉर एग्जांपल बॉटल, रैपर, स्ट्रॉ बनाने में, बैग वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल हो सकता है। जितना भी प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका केवल 13% ही होता है रिसाइकल, बाकी जो बच गए 87% आपका ऐसे ही होता है, आपका कहीं ज़मीन में दब जाता है, ओशियन में चला गया, माइक्रो प्लास्टिक्स बन गए घिस घिस कर। पता है माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होता है? सवाल पूछ चुका है यूपीएससी। माइक्रो प्लास्टिक में जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना प्लास्टिक के, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो ये होता क्या है कि ये गया समुद्र में, मछली उसको निकल गई, अब मछली के बॉडी में वो मतलब फंस जाता है, मछली को खाता है इंसान, इंसान के बॉडी में आ जाता है, वो बायो मैग्नीफाई होना शुरू हो जाता है, बायो एक्युमुलेट करना शुरू हो जाता है। बात क्लियर है यहाँ पे? ठीक है ना। चलिए ये बातें हो गई हमारे किसके बारे में, सिंगल प्लास्टिक के बारे में। अगला मेरा सवाल है कि इनमें से कौन सा ओंगोल, अमृतमहल, आयशायर, हलिकर, गिर, मैंने सवाल यहाँ पर ये शायद दिया नहीं है, सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कैटल के, इंडिजीनियस कैटल के, मतलब स्वदेशी कैटल के टाइप्स हैं, ब्रीड हैं, उनके प्रजातियाँ हैं, कैटल की प्रजाति कौन सी है इसमें से बताइएगा मुझे, स्वदेशी। ओंगोल, अमृतमाल, आयशायर, हलिकर, गिर। बिल्कुल, प्रश्न में भी होता है माइक्रोबीट्स, जो आप शेव वगैरह करते हैं ना तो उसमें भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे थोड़ा सा मतलब वैसा फीचर आता है, थोड़ा सा मतलब जो सिल्की सिल्की लगता है, मतलब वो शेव करने में मुलायम लगता है चेहरे पे। प्रवेश कह रहे हैं ए, मतलब 1, 2, 4, 5, क्या 3 नहीं है? श्रेया पांडे का भी आंसर ए है। अच्छा ठीक है, देखा, बढ़िया। अमन का कहना है ए, मतलब 1, 2, 4, 5, ध्यान से। अगर नहीं पता हो ना तो सोचिए कि इसमें कौन सा आंसर नहीं हो सकता, नाम देखिए, क्या नाम स्वदेशी लग रहा है। अभी किया क्या है गवर्नमेंट ने कि जो स्वदेशी गायें हैं उन पर रिसर्च करने के लिए जो प्लान है उसको बनाया है, इसीलिए सब जो है ना न्यूज में थे। जैसे कि प्रवेश ने सही कहा, जो आयरशायर है ये आपका स्कॉटलैंड का है, ये भारत का नहीं है, स्कॉटलैंड का है, ये भारत का नहीं है। तो मेरे यहाँ पर 3 गलत हो गया, मैंने क्या कहा था, कैटल प्रजाति जो कि स्वदेशी हो, यही कहा था ना, मेरा यहाँ पर 3 गलत हो गया। तो मैंने क्या किया, 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, बाकी 1, 2, 4, 5 जो है वो सही है, 1, 2, 4, 5 ए, ठीक, ए मेरा सही उत्तर है। गिर, हलिकर, रेड सिंधी, साहिवाल, अगर मैं आपको इन सब की जगह पर साहिवाल वगैरह देता आप आराम से मार देते आंसर, है ना, रेड सिंधी आप आराम से मार देते आंसर, मारते कि नहीं मारते। अमृतमहल, खिल्लारी, फिर आपका है बारगुर, ये सब आपके क्या है, सब आपके इंडिजीनियस वैराइटीज हैं मवेशियों के। क्या आंसर हुआ जी, ए, 1, 2, 4 एंड 5 आर करेक्ट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलिए अगला मेरा सवाल है कला कुंभ के बारे में। इट एम्स टू प्रमोट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्राफ्ट एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसको ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने, बताइए कौन सा बताया हमारा सही है। कला कुंभ में से कौन सी बात यहां पर सही है बताइएगा। ध्यान से
परेश कह रहे हैं ए, प्रवेश ए। टेक्सचर नहीं है क्या? आकाश गुप्ता सी। अमन का भी आंसर है सी, बोथ वन एंड टू। मानसी का आंसर है बी। नहीं, कोई जरूरी नहीं कि मैं मिस्ट्री बदल दूं, क्यों, कोई जरूरी थोड़े है। मैं कोशिश करता हूं कि आपके जो फैक्ट हैं उसको चेंज ना करूं, क्योंकि होता क्या है ना कि जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना आप, तो आपको हिट करेगा, कह रहे ये तो मेरे सुना हुआ लग रहा है, कला कुंभ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अगर मैं इसको चेंज करके मैं कुछ और बना देता ना, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूज होंगे एग्जाम हॉल में, आपको लगेगा क्या टेक्सटाइल था कि कॉमर्स था, समझ रहे बात। तो ऐसी चीज़ों को मैं चेंज नहीं करता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप आराम से वहाँ पर आपको आंसर ध्यान में आपको वहाँ पर हिट करेगा कि हाँ ये मेरा आंसर ये था, ठीक है। तो यहाँ पर जो GI है इसको प्रमोट करता है, किसने किया है ऑर्गेनाइज, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने किया है ऑर्गेनाइज। मेरा पहला थोड़ा सही है, क्या आंसर आया जी सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। न्यूज देखो, कला कुंभ हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन फॉर प्रमोशन ऑफ GI क्राफ्ट, ये ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। चलिए, किसने कराया था, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने कराया था थ्रू द ऑफिस ऑफ डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडक्राफ्ट वाला, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, जो GI क्राफ्ट है इस पर सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि हाँ किन्हें किन्हें GI टैग मिल चुका है, आपको बस नाम पढ़ना है कि हाँ इन्हें इन्हें मिल गया है, आपको वहाँ पर हिट करेगा। मैसूर रोजवुड इनले, बिद्री वेयर, कोल्हापुरी चप्पल, याद है कोल्हापुरी चप्पल, रामपुरी चाकू, जो हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे उनको याद होगा सब चीज़ें, धारवार कसौटी एम्ब्रॉयडरी, अनंतपुर लेदर पपेट, ब्रॉन्ज कास्टिंग, बीरभूम अस्टेटिक लेदर, चित्तूर कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग पर यूपीएससी पहले प्रीलिम्स से सवाल पूछ चुका है, यहाँ पर जो कॉटन का होता है ना उस पर हाथ से बनाया जाता है बम्बू के पेन से। पोखरण टेराकोटा क्राफ्ट, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, इन सब को मिल गया है। मधुबनी मिथिला पेंटिंग, ये तो मैंने बताया था आपको पहले ही, कोल्हापुरी चप्पल, पालगल वर्ली पेंटिंग, इन सबको पहले GI टैग मिल चुका है। अगला मेरा सवाल है, इनमें से किनको GI टैग मिला है जो कि कर्नाटका से हैं, बताइएगा मुझे। GI टैग की लिस्ट में कौन कौन जो है वो कर्नाटका से हैं, मधुर काठी, कोल्हापुरी चप्पल, चन्नपटना टॉयज एंड डोल्स, संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, बढ़िया, जवाब दीजिए इसका। बस ध्यान से आप यहां पर एलिमिनेट भी कर सकते हैं, मगर आपको फंसना नहीं एलिमिनेट करना चक्कर में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं मेरे वीडियो से, तब वो करना है क्या। चलिए, मधुर काठी, कोल्हापुरी चप्पल। अच्छा, कोल्हापुरी तो आपको पता होगा कि हाँ ये महाराष्ट्र में है, मगर जो कोल्हापुरी चप्पल है ना, ये टैग दिया गया है महाराष्ट्र को भी और कर्नाटका को भी, याद रहेगा कर्नाटका महाराष्ट्र दोनों है यहाँ पे। जो मधुर काठी है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल का है, कहाँ का है ये आपका वेस्ट बंगाल का है, मेरा पहला गलत हो गया। बाकी जो 2, 3, 4 है वो सही है, डी मेरा सही उत्तर है, 2, 3, 4 जो है वो सही है, ये मेरा सही आंसर है। कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटका महाराष्ट्र, मधुर काठी वेस्ट बंगाल का, बाकी आपका जो चन्नपटना टॉयज हैं, संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी, देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका है मधुर काठी, मधुर काठी चटाई, ये आपका मैट है वाला, दिख रहा चटाई आपको, ये है किसका है, ये पश्चिम बंगाल का है, ध्यान रखिएगा इसको। ये बताओ, तेलंगाना का अभी हाल में ही एक मिला था, क्या नाम था उसका, तेलंगाना क्या मिला है जी। एक सवाल और, जो कड़कनाथ चिकन है वो कौन से राज्य का है, उसको मिला है GI टैग। कड़कनाथ चिकन कहाँ का है,
कड़कनाथ एमपी का है, काला चिकन होता है वो, ठीक है। चलिए अगला हमारा सवाल है एनीमिया पर। इट इज़ अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल और देयर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज इनसफिशियंट टू मीट साइकोलॉजिकल नीड्स। दूसरा, प्रोटीन डिफिशियंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। प्रीमेच्योर डिलीवरी कैन ऑल्सो लीड टू चाइल्डहुड एनीमिया। बताए तीनों से कौन सी बात सही है यहाँ पर एनीमिया के बारे में। सुल्तान बढ़िया जवाब, एमपी का है कड़कनाथ चिकन, ठीक है। प्रवेश बढ़िया जवाब, अशोक आपका भी जवाब बढ़िया है। आदिलाबाद का टोकरा बिल्कुल सही अशोक, ठीक है। तेलंगाना याद आएगा। ₹2000 पर केजी, सही में। ध्यान से बताइएगा एनीमिया के बारे में। सवाल है सिंपल सा, एक होता है आपका रेड ब्लड सेल आरबीसी, सेकंड होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल। केवल यही है जो आपके लिए लड़ जाएगा कभी भी। व्हाइट ब्लड सेल जो है ना, सभी दोस्त यार आपके छोड़ करके भाग जाएंगे, केवल व्हाइट ब्लड सेल जो आपका है वो आपके लिए फाइट करेगा, ठीक ना। तो सबसे लॉयल आपका यही है, ठीक। प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं है, जो आयरन डिफिशियंसी है ना, आयरन लोहे की कमी, लोहा खाएंगे क्या सर। आयरन डिफिशियंसी जो है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया। मेरा यहां पर दो गलत हो गया, मेरा पहला सही है। होता क्या है कि जो नंबर ऑफ आरबीसी हैं, आरबीसी सेल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर उनका जो ऑक्सीजन को कैरी कैपेसिटी करने की जो क्षमता होती है ना, वो कम हो जाती है। एक बताओ, अगर हम लोग काफ़ी टाइम तक, जैसे कि अगर हम लोग रहें कार्बन मोनोऑक्साइड के कंसंट्रेशन में, करता क्या है ना, जाके चिपक जाता है आपके हीमोग्लोबिन से, और वो जो आपका वो है मतलब ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, फिर आपको सिरदर्द करता है, और अगर ज़्यादा में रह गए तो आपकी डेथ भी हो सकती है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता में जो कमी है पाई जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड वाले केस में भी। तो मेरे यहाँ पर पहला सही है, मेरे यहाँ पर थर्ड जो है वो सही है। प्रीमेच्योर डिलीवरी इट कैन लीड टू चाइल्डहुड एनीमिया, ये बात यहाँ पे सही है। जो हमारी माताएं होती हैं, जो बुजुर्ग आदमी होते हैं ज़्यादा इसमें, जैसे इसके प्रति वो वनरेबल होते हैं। केवल आयरन डिफिशियंसी नहीं, इसके अलावा जो विटामिन B12 है, विटामिन ए डिफिशियंसी है, सभी कारण हैं आपके एनीमिया के। मगर सबसे मेन कारण क्या है, आयरन डिफिशियंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड एनीमिया। चलिए इसका जवाब दीजिए। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, पहला पूछ रहा है, ये पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है टू कम्प्लीटली प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स। इसको पास किया गया था 1974 में आफ्टर इंडिया कंडक्टेड इस फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तीसरा, इट प्रोहिबिट डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन स्टॉक पाइलिंग ट्रांसफर एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन फॉर ऑल द UN मेंबर कंट्रीज। बताइए क्या आंसर सही है यहाँ पे। ठीक है, स्पेशल क्लास आज नहीं है, जब भी होगी तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक ना। ए या सी होना चाहिए, राहुल का कहना है ए, ट्रैवल का कहना है ए, प्रवेश सी लॉक किया जाए, मतलब वन ओनली। अरे वाह, बहुत ही बेहतरीन जवाब, ठीक है। प्रवेश की पहली क्लासेस देखो आज क्या कर रहे हैं ये। मिंटू का आंसर सी है, इंद्रजीत का आंसर ए है, अशोक ए, आकाश गुप्ता सी, बहुत बढ़िया। मिंटू का सही है, आकाश गुप्ता सही है, अमन ट्राइबल, राहुल प्रजापति सही है, प्रवेश का भी चीज सही है, इंद्रजीत सही है, ठीक है।
हाँ उसके बाद कोई और रेट आई थी, ये आपका 17 में लॉन्च हुआ है 2017 में, इतना पुराना नहीं है ये। मेरा यहाँ पर दो गलत हो गया। जो भी लोग इस ट्रीटी को साइन करेंगे ना, केवल उन्हीं पर अप्लाई होगा, ना कि सारे यूएन मेंबर कंट्री पे। ध्यान रहेगा आपको, जिसने भी इसको साइन करके रेटिफाई किया है, केवल उन्हीं पर ये जो एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, वो अप्लाई करेगा, बाकी पर नहीं। ठीक, तीन मेरा गलत है, पहला सही है। ये पहला लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कहता है कि हम न्यूक्लियर वेपन को कंप्रिहेंसिवली प्रोहिबिट करेंगे, उसको हम लोग इलिमिनेट कर देंगे। बात क्लियर है। पास कब हुआ था? 17 में। सिग्नेचर और रेटिफिकेशन चाहिए कम से कम 50 कंट्री का, तब ये इफेक्ट में आएगा। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट, उसकी टेस्टिंग, उसका प्रोडक्शन, उसको अपने यहाँ स्टॉकपाइल करना, मतलब अपने यहाँ रखना बचा करके, उसको ट्रांसफ़र करना, उसका इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करने की धमकी देना, ये सारे इन सब को प्रोहिबिट करता है। तो पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको इसमें बैन कर दिया गया है। इसमें ये जो एक्टिविटी है उसको बैन किया गया, पाकिस्तान को बैन नहीं किया गया है। फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो कंप्लीहेंसिवली, जो कि पूरी तरह से प्रोहिबिट करेगा न्यूक्लियर वेपन को और उसके टोटल एलिमिनेशन तक जाएगा। ये इस ट्रीटी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रहेगा। ठीक है, मेरा आंसर क्या है यहाँ पे? सी वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला जो मेरा सवाल है वो है ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स के बारे में। इसे कौन रिलीज करता है? आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी, जर्मन वॉच या फिर यूएनईपी? बताइए इसको कौन रिलीज करता है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? गायत्री वेलकम, आपको डिलीट एंड कीजिएगा। ध्यान से देना है इसका, ए आईपीसीसी है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, हम फिर मिलेंगे कल। कल मिलेंगे हम आपसे 3 बजे। 3 बजे मेरी क्लास है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की अनअकैडमी पे। जिन्होंने प्लस ज्वाइन किया होगा उनके लिए क्लास है 3 बजे से 4 बजे तक। ये क्लास 1 घंटे की है, जहाँ डिस्कस करेंगे हम लोग अपने इंडियन पॉलिटी के टॉप मोस्ट एमसीक्यूज को। हम लोग इन एमसीक्यूज के जरिए अपना जो पूरा चैप्टर है, अपना जो पूरा टॉपिक है पॉलिटी का, उसको हम कवर करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। ठीक है, जो 21 वाले हैं, 22 वाले हैं, वो भी देख सकते हैं इसको। देखो, मैं फोकस करूंगा 2020 प्रीलिम्स तक, अभी मई तक के, मई के बाद मैं जाऊंगा 2021 प्रीलिम्स के लिए। जो स्पेशल फोकस है मैं यहां पर दूंगा आपको 21 प्रीलिम्स का, पूरा तैयारी करा जाएगा एकदम शुरू से, आपको एकदम बिगिनिंग से। मैं ज़ूम नहीं करूंगा कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मैं मान चलूंगा आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं उस तरह से मैं तैयारी कराऊंगा आपको वहां पर। क्लास फ्री ही तो ले रहा मैं प्रवेश, मेरी क्लास फ्री होती है दो। पहला हमारा होता है 6 बजे मॉक टेस्ट का, डेली 6 बजे शाम को मॉक टेस्ट का, और 8 बजे शाम को करंट अफेयर एमसीक्यूज की क्लास हमारी होती है रोज़ फ्री। ठीक है, ये जो क्लास है ना सर, ये हमारी पेड क्लास है यार। हम फ्री तभी दे पाएंगे ना जब अपना पेड वाला लॉन्च करेंगे, फ्री में कितना काम कैसे होगा बताइए। इनसे जो रेवेन्यू आता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं इस वाले कोर्स में, ताकि आपको हम प्रोवाइड कर सके स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, जहाँ पोलिंग वगैरह होती है ना, वो वाला। आयर क्लास चालू करें मगर अभी प्रीलिम्स की बात करते हैं। हाँ, एक बात और, आयर का जो भी टॉपिक है ना हमारे करंट के लिए, हमारे इसके लिए प्रीलिम्स के लिए, उसको हम कवर कर लेंगे। आयर का मैं शुरू करूँगा आपका प्रीलिम्स के बाद,
क्योंकि हमारा जो मेंस है वो आ रहा होगा और उसके लिए काफ़ी जरूरी होती है हमारा इंटरेस्ट रिलेशंस, उसको हम करेंगे आपके, चिंता मत कीजिए। एक बात और, जो मेरी प्लस क्लास होती है ना उसमें सेम क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, क्वेश्चन आपका इंग्लिश में भी होता है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर हिंदी में भी होता है, ऐसे ही जब पढ़ाता हूँ ना मैं ऐसे हिंदी इंग्लिश में ऐसे करके सेम मैं वहाँ पढ़ाता हूँ ऐसे करके प्लस पे भी। ठीक है सर, तो इसे कौन रिलीज किया था? इसे रिलीज किया था आपका जो जर्मन वॉच है वो। इसके अनुसार जो भारत है वो पाँचवा मोस्ट वनरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज के प्रति, इसे निकाला था एक थिंक टैंक है जर्मन वॉच, उसने। क्या आंसर आया जी? सी इज द करेक्ट आंसर। अब करते क्या है, हम लोग मिलते हैं कल, आप कोड यूज़ कर सकते हैं SN Live, अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है या फिर किसी दोस्त को ज्वाइन करना है आपके, तो उन्हें कहिएगा ये कोर्स जो कोड है वो यूज़ करें और जो कोर्स है उसको बाय करें, आपका डिस्काउंट मिलेगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, इसीलिए आपको जो गाइडेंस है वो आपको दी जाएगी पूरी तरह से। ठीक है सर, मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।